हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 यूनिट 1 बी माई मदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली, आपको आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? वेन यू फील सिक और गेट हर्ट, हुम डू यू वॉन्ट क्लोज टू यू, जब आप बीमार पड़ते हैं और जब आपको चोट लगती है तो आप किसे चाहते हैं कि वो आपके पास रहे? द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज आर द मोमेंट्स स्पेंट विथ आवर मदर्स, जो जो हमारी बचपन की जो दिन है वो उसकी जो सबसे प्यारी मेमोरीज है वो होती है जो हमारी माँ के साथ जो हम लोग बिताते हैं पल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ पोर्ट्रेड सिमिलर फीलिंग्स इन द पोएम एज ही रिमेंबर्स हिज मदर ऑन ए मूनलिट नाइट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कुछ ऐसे ही एक सिमिलर स्टोरी, सिमिलर फीलिंग्स इस पोएम में दिए हैं जब वो अपनी माँ को ऐसो याद कर रहे थे। रीड टू फील, इसको फील करने के लिए, इस पोएम को फील करने के लिए, इस माँ की प्यार को फील करने के लिए हम लोग को ये पोएम पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर, समुद्र की लहरें और ये जो सुनहरी रेत और तीर्थ यात्रियों का जो विश्वास है और रामेश्वरम मॉस्क, रामेश्वरम मस्जिद का जो गली है, ऑल मर्ज इनटू वन, वो सब एक ही में है मेरी माँ। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, आप मुझ में ऐसे आई जैसे भगवान अपने बच्चों का केयर करते हैं। आई रिमेम्बर द वॉर डेज वेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, मुझे वो लड़ाई के दिन याद है जब लाइफ बहुत चैलेंज भरी होती थी और बहुत हार्ड वर्किंग होती थी। यहाँ पे वॉर डेज, यहाँ पे सेकेंड वॉर, वर्ल्ड वॉर को दिखा रहा है। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, मीलों दूर चलना पड़ता था सूर्य उगने से पहले। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, जो साधु संत थे उनसे लेसन लेने के लिए चलना पड़ता था, जो कहाँ था, नियर द टेम्पल, मंदिर के सामने था, मंदिर के आसपास। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, और दोबारा से मीलों दूर चलना पड़ता था अरब टीचिंग स्कूल जाने के लिए। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, और रेलवे स्टेशन रोड का जो रेत भरा जो हिल्स था वो उसे चढ़ना पड़ता था। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, पहले वो है सो न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते थे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू द टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, उसके बाद जो टेम्पल के जो आसपास के लोग थे उन्हें है सो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, सूर्य उगने से कुछ घंटे बाद, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते थे। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और शाम में पढ़ने से पहले बिजनेस का समय देते थे। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, एक यंग बॉय का ये जितना भी दर्द है, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इन टू प्योर स्ट्रेंथ, मेरी माँ आप इसे एक पवित्र ताकत में बदल देते हो। विथ नीलिंग एंड बॉइंग 5 टाइम्स, 5 दिन में 5 बार नमाज करने के साथ साथ, फॉर द ग्रेस ऑफ द अलमाइटी ओनली माई मदर, और सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करते हुए, भगवान से ये अनुग्रह करते हुए, मेरी माँ योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज योर चिल्ड्रेंस स्ट्रेंथ, आपका ये जो पवित्रता है वो आपके बच्चे का ताकत है। योर यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, आप हमेशा चीज़ों को उनके साथ शेयर करते हैं जिन्हें उस चीज़ का ज़रूरत हो। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, आप हमेशा उन्हें देते हैं और उन्हें इस विश्वास के साथ देते हैं कि भगवान उनकी भला करेगी या भगवान हमारी भला करेगी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन आई वॉज 10, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था, स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई इल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके गोद में सो रहा होता था जब मेरे भाई और बहन मुझसे जलते थे कि सिर्फ माँ ही आपको, सिर्फ आपको ये माँ गोद में सुलाती, हम लोग को नहीं सुलाती है, इस वजह से उनके जो बड़ी बड़े भाई बहन थे उनको जलन होती थी। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, माई मदर, वह पूरी
चांदनी भरी रात थी। मेरी माँ, मेरी दुनिया सिर्फ तुम जानती हो, मेरी माँ। वेन एट मिड नाइट आई वॉक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी। जब मैं रात को उठ जाता था, जब बेड पे बच्चा लोग सोया हुआ रहता है तो कभी कभी गिर जाता है ना, तो चोट लग जाती है, तो वेन एट मिड नाइट आई वॉक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी। जब मैं रात को उठ जाता था तो जो आंसू थे वो मेरे नी पे, मेरे घुटनों पे टपकते थे। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर। आप अपने बच्चे का दर्द जानती हो मेरी माँ। योर कैरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन। आपके ये जो प्यारे हाथ है, आपके जो देखभाल करने वाली जो हाथ है, वो तुरंत मेरे इस दर्द को ख़त्म कर देती थी। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी अ स्ट्रेंथ। आपका ये जो प्यार है, आपका ये जो केयर है, देखभाल है, और आपका ये जो विश्वास है, मुझे ताकत देती है टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ। इस दुनिया को फेस करने के लिए बिना डर का, और विथ हिज स्ट्रेंथ, और आपके ताकत ताकत के साथ। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। हम लोग एक दिन फिर मिलेंगे उस प्रलय के दिन, जब ये जज होगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। हम लोग उस दिन फिर मिलेंगे मेरी माँ। अब ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पोएम का ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम। नो द पोएट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अक्टूबर 15, 1931। इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है, और इनका डेथ जुलाई 27, 2015 में होता है। वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है वो भारत का 11वां राष्ट्रपति होते हैं। ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ रॉकेट साइंस। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सफलता पाई है रॉकेट साइंस में, जो इस चीज़ के लिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एज अ पोएट एंड ऑथर ही हैज़ इंस्पायर्ड एवरी वन, स्पेशली चिल्ड्रेन। ये एक कवि और एक लेखक के रूप में सभी को इंस्पायर करते हैं, लेकिन ये स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ट्राई टू फाइंड एंड रीड हिज ऑटोबायोग्राफी टू। इनकी ऑटोबायोग्राफी को खोजिए और उसको भी पढ़ने का कोशिश करिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इस पोएम को समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।